हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लस में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। एज यू ऑल नो द वैकेंसी ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी इज अबाउट टू कम एंड यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशन। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस एंड आफ्टर डेट आई विल स्टार्ट द क्लासेस रेगुलर बेसिस, सो दैट वुड बेनिफिट यू अलॉट। सो एज यू ऑल नो कि आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस में देखेंगे क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उसके बाद में इसकी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपके बेनिफिट हो सके और आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो ये जो सिलेबस होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो सिलेबस आपका होता है टू पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। दैट इज फर्स्ट जो आपका सेक्शन होता है वो लैंग्वेज का होता है, दैट इज ग्रामर, और जो सेकेंड होता है जिसमें आपका लिटरेचर पूछा जाता है। तो टीजीटी का भी यही सिलेबस होता है, पीजीटी का भी यही सिलेबस होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो टीजीटी का सिलेबस होता है ग्रामर का पोर्शन उसमें जो होता है 50% आता है और आपका लिटरेचर का पोर्शन होता है वो भी 50% आता है। दोनों 50-50 होते हैं, लेकिन जो टीजीटी का सिलेबस होता है इसमें केवल 4 राइटर पूछे जाते हैं और जब हम पीजीटी की बात करें तो उसमें 17 राइटर्स पूछे जाते हैं। ग्रामर काफ़ी हद तक दोनों में सेम ही होता है। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो आपके पास है ये टीजीटी का सिलेबस है, राइट। इसमें लैंग्वेज का सेक्शन सबसे पहले होता है जिसमें जो आपके पास पूछा जाएगा क्वेश्चंस आएंगे ये अनसीन पैसेज। जो हमारे पास अनसीन पैसेज होते हैं इसी को हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैसेज होता है आरसी, इसी को बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसी को बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको रीड करके उसके आंसर्स करने होते हैं, तो इससे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा आपसे। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें टोटल 8 होते हैं जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये जो इंटरजेक्शन होता है ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे हुर्रे, वाओ, वंडरफुल। सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर कॉल्ड कंजंक्शंस एंड दे आर बेसिकली आस्क्ड इन नरेशन। सो वी स्टडी अबाउट दीज वर्ड्स इन नरेशन। नेक्स्ट इज स्पेलिंग एरर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्पेलिंग एरर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्पेलिंग आपके एग्जाम में दी जाती है उसमें आपको चूज करना होता है कि स्पेलिंग करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसमें से क्या होता है कि जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं या तो ऐसा रखा जाता है कि 4 ऑप्शंस में से एक जो होगा वो करेक्ट होगा, या फिर ऐसा क्या रखा जाता है कि उसमें से 3 जो है वो सही होंगे, एक को इनकरेक्ट होगा और उसमें से आपको चूज करना होता है। सो दिस इज कॉल्ड स्पेलिंग एरर। नेक्स्ट क्या होता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जैसे कैपिटल लेटर से कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ पे हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं देखना होगा। और दूसरी चीज़ें क्या होती है, कहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पे कॉमा का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे ब्रैकेट आएगा, कहाँ पर सेमी कॉलन आएगा। सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉज दे आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। वोकैबुलरी की पार्ट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन इंग्लिश लिटरे टीजीटी एंड पीजीटी। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है और इसके बगैर आप इंग्लिश में अच्छे हो ही नहीं सकते। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसके वोकैबुलरी की कई सारे पार्ट्स होते हैं। एक तो क्या होता है कि हम रूट वर्ड से इसको प्रिपेयर करते हैं, तो रूट वर्ड से कैसे कैसे प्रिपेयर करना है उसको हम सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। एक वर्ड लेकर के किस तरह से वर्ड को फॉर्म किया जाता है, किस तरह से उसमें सफिक्स का प्रयोग करते हैं, कैसे उसमें प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, किस तरह से नया वर्ड बनाते हैं, एक ही वर्ड होता है कभी एडजेक्टिव का काम करता है, किस तरह से वो एडवर्ब बन जाता है, किस तरह से उसी को हम नाउन बनाते हैं, नाउन की तरह से कैसे फंक्शन करता है, किस तरह से उसकी मीनिंग में चेंजेस आते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन वोकैबुलरी पार्ट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेंस। तो जो हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस में आप सभी को पता है कि 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये जो आप टेंस बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं, टेंस में जाता, खाता, पीता, सो भी है, तो इस टाइप की एग्जाम आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है कि जो टेंस होता है तो दे आस्क टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विच टाइम डू बी यूज इन विच टेंस, कौन से टेंस में कौन से टाइम का होना जरूरी होता है और आना चाहिए, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग टेंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कौन से टेंस को किस टाइम के साथ यूज करना चाहिए या किस टाइम को किस टेंस के साथ यूज करना चाहिए, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके यूसेज का पता होना चाहिए। नरेशन जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे किसके बाद, टेंस के बाद में। और दूसरा हो जाएगा प्रीपोजिशन यूसेज। अब ध्यान रखेंगे इसमें किसकी बात कर रहा है, प्रीपोजिशन यूसेज की बात कर रहा है।
तो यूसेज भी क्या हो जाता है कि एक जो वर्ड होता है किस तरह से उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन कभी कभी फिक्स आ जाती है, कभी कभी कॉन्सेप्ट बेस पे आती है, तो किस तरह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके इंटर के सिलेबस में होता है। और एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसमें हम क्या चीज़ को डिस्कस करते हैं, इसमें एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस से एक नया सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कोई सेंटेंस है उसमें टू लगाकर बनाया गया है, इन्फिनिटिव टू, कभी कभी टी डब्ल्यू टू लगा के फॉर्म किया गया है, एंड दे वांट टू चेंज द सेंटेंस, दे वांट द यू टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। वो आपको चाहेंगे कि आप सेंटेंस को चेंज किए लेकिन इसकी मीनिंग में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो ये सारी जो चेंजेस होते हैं इसमें कभी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, कभी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, कभी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम टू को हटा देते हैं, कभी सो लगा देते हैं, कभी सच लगा देते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बगैर समझिए कि आपकी ग्रामर अधूरी रहती है। क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सिंटैक्स। और सिंटैक्स होता क्या है कि ये जो सब्जेक्ट होता है, आप सभी को पता है कि वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्लूरल सब्जेक्ट। दो ही प्रकार के हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब एंड विद द प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज प्लूरल वर्ब। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज को बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि देखने में आपको लगता है कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर और द सब्जेक्ट इज प्लूरल, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट होता है, जो दिखने में लगता है वो होता नहीं है। तो ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारा हुआ ये 50% सिलेबस यहाँ से हमारा कवर हो जाएगा ये पेपर का, एज यू ऑल नो। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120 क्वेश्चंस होते हैं, सो दे आस्क नियर अबाउट 60 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन। और बाकी जो सेकंड सेक्शन आपका बच्चा यहाँ से क्या होता है, 50% यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है कि जो TGT का सिलेबस होता है इसमें लिटरेचर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, यानी कि रोल इन द सेंस हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको तैयार नहीं करना पड़ता है, इसका सिलेबस बहुत कम होता है। इसमें आपको क्या होता है, यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 4 राइटर्स, और बहुत ही फेमस राइटर हैं, आपने जरूर नाम सुना होगा इनका। एक इसमें से क्या होता है, शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए और जॉन गॉल्सवर्थी है। अच्छा, इन सब के कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। जैसे शेक्सपियर के वर्क्स की बात करें तो इनकी चार ही बहुत ही फेमस वर्क हैं, जैसे मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, ये इनकी ट्रेजडीज हैं, एंड ही इज फेमस फॉर दीज ट्रेजडीज। इन्हीं ट्रेजडीज की वजह से शेक्सपियर माने जाते हैं। बाकी इनके चार पोएम्स लिखे हैं, 37 के आसपास इन्होंने प्ले लिखे हैं। तो बाकी बहुत सारी सोनेट इन्होंने लिखा है, 154 सोनेट लिखा है जिसमें दो लोगों को एड्रेस किया है, जैसे कि एक आपका हो गया डार्क लेडी और दूसरा इनका फ्रेंड हो गया विलियम हर्बर्ट, तो उनको इन्होंने एड्रेस किया है। लेकिन ये बेसिकली जो फेमस हैं शेक्सपियर, ये अपने सोनेट की वजह से और 4 ट्रेजडीज की वजह से। जॉन मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन का एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसको आप सभी ने सुना होगा, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की वजह से उन्होंने ये फेमस है, जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और इनकी एक वर्क है जो कि उसको लिखा गया है फ्रीडम से रिलेटेड है, प्रेस और फ्रीडम से रिलेटेड है, और ईरोपैगेटिका है जिसको लिखा गया है प्रोज स्टाइल में लिखा गया है, उसके लिए भी काफ़ी फेमस है। वर्ड्सवर्थ की बात करें तो एज यू ऑल नो वर्ड्सवर्थ इज नोन एज अ पोएट ऑफ नेचर, नेचर के पुजारी भी कहा जाता है इनको, नेचर का पोएट भी कहा जाता है इनको, नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इनकी पोएम्स को देखेंगे तो नेचर पे ही बेस्ड होंगी। इनकी 5 पोएम्स का कलेक्शन है जिसको लूसी पोएम्स के नाम से जानते हैं, वो भी बहुत ही फेमस है, आपके एग्जाम में उनकी लाइन ही पूछ ली जाती है। सो आई विल डिस्कस ऑल दिस पोएम्स लाइन बाय लाइन इन द रेगुलर क्लासेस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग्स रिगार्डिंग द सिलेबस एंड द पोएम्स। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो राइटर हैं आखिरी में लेकिन कोई कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये हैं जॉन गॉल्सवर्थी, बहुत ही फेमस हैं अपने वर्क के लिए, जैसे सिल्वर बॉक्स हो गया इनका बहुत ही फेमस वर्क है, जस्टिस हो गया, ठीक है, तो इनके बहुत ही फेमस वर्क हैं उसके लिए फेमस हैं, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो आपका सिलेबस है ये TGT का सिलेबस है, दैट मीन्स कि ग्रामर का पोर्शन आपका ये हो गया, और ये जो आपका लिटरेचर का पोर्शन हो गया, इसमें एक पॉइंट और बचा है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से ये कहना चाहते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच इसमें पूछ लीजिएगा, सिमली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, हाइपरबोल क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, या कभी कभी फॉर्म्स में कुछ वर्ड्स, जैसे इन्होंने पूछ लिया कि कुछ वर्ड्स का जो होते हैं कुछ लिटरेरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ लिटरेरी वर्ड्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ UPTGT, आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे PGT का सिलेबस। तो ये हमारा जो है PGT का सिलेबस है, और PGT के सिलेबस में बस थोड़ी चीज़ें चेंजेस हैं,
और इसमें चेंजेस क्या है, तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि इसका जो सिलेबस है उसमें जो आपका लिटरेचर का पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। क्वेश्चंस भी आपके लिटरेचर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ग्रामर से कम पूछे जाते हैं, और ये सिलेबस थोड़ा हैवी भी होता है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, नियर अबाउट 70 राइटर्स इसमें पूछे जाते हैं। यदि हम इसमें बात करें आपके लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट सेक्शन से क्या क्या पूछा जाएगा, लैंग्वेज लैंग्वेज मीन्स ग्रामर से क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें अनसीन पैसेज आएगा जिसको अभी हमने आपको बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है या आरसी होता है, तो इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी क्या होगा, यूसेज ऑफ टेंस, टेंस यूसेज से यही कहना चाहते हैं कि टाइम एंड टेंस पूछा जाएगा। अभी आपने जो भी स्टडी किया होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड ओनली टेंस, सो यू हैव टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम एंड टेंस, बिकॉज इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे आस्क टाइम एंड टेंस नॉट ओनली टेंसेज, सो इफ यू प्रिपेयर ओनली टेंसेज यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, इसलिए टाइम एंड टेंस का आना बहुत जरूरी होता है। सो वी विल स्टडी टाइम एंड टेंस इन दिस चैप्टर। स्पेलिंग एरर वही सेम होता है जो वहां पे स्पेलिंग एरर की कंडीशंस होती है आपके टीजीटी में, वही है सेम कंडीशन यहां पर होगी स्पेलिंग एरर में, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, आपको चूज करना होगा और ये एक मार्क्स आपको दे दिया जाएगा यदि आप सही आंसर करते हैं तो। अगला पंक्चुएशन भी वही चीज होता है जो है इसमें, सेमी कोलन कोलन फुल स्टॉप होता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपकी उसमें आ जाएंगी, पंक्चुएशन में आ जाएंगी। नरेशन की बात करें तो नरेशन दोनों में आपका कॉमन ही हो रहा है देख रहे हैं आप, और नरेशन में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका पूछा जाता है नरेशन में। नेक्स्ट है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी एज यूजुअल मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है और इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं लगता है, एक अपनी हैबिट बनाइए रीडिंग करने के लिए। वोकैबुलरी अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि जब भी हम वोकैब्स को प्रिपेयर करते हैं तो आई फॉरगेट आफ्टर 2 or 3 days, व्हाई इट हैपेंस विद यू, क्योंकि आप जो रीड करते हो रटते हो, आपको पता है कि रटने से वोकैब्स तैयार नहीं होता है, रटोगे उसको 2 दिन के बाद भूल जाओगे। यहाँ पे आपके एग्जाम में जो भी वर्ड्स पूछे जाते हैं दे आर आस्क्ड फंक्शनल ग्रामर, दे आस्क फंक्शनल ग्रामर एंड वर्ड्स ऑल्सो, तो जब भी आपको वर्ड प्रिपेयर करना है उसके लिए आप रीडिंग की स्किल डेवलप कीजिए। अगर आपके अंदर रीडिंग की स्किल डेवलप हो जाए उससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि जो वर्ड आपने प्रिपेयर किया है वो आपके टच में आ जाएगा, बार बार डेली यूसेज में आएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, आपकी जो है रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, एक ही बार में पैसेज को देख करके आप रीड कर पाएंगे। और थर्ड क्या हो जाएगा, आप वर्ड्स को भूलेंगे नहीं, जिसकी आपकी सबसे बड़ी बीमारी है कि आप वर्ड्स को भूल जाते हैं, जब बार बार रीड करोगे बार बार उसका रिपीटेशन होगा तो आप नहीं भूलोगे, तो इस वजह से ये जो वोकैबुलरी का पार्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे और रीडिंग जरूर करेंगे इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। ईडियम फ्रेजेस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ईडियम फ्रेजेस को, और कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस आपको देंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आप सॉल्व कर सके। तो ये जो हमारा था ये फर्स्ट पोर्शन हो गया जहां से आपके नियर अबाउट 50%, तो यहां से नहीं पूछा जाता है क्योंकि यहां से कुछ 50% से ज्यादा पूछा जाता है जो आपका लिटरेचर का पार्ट होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, 40% के नियर अबाउट यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस आपके। सेकंड आपका जो है इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच, तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस पूछी जाती हैं, एंड फिगर ऑफ स्पीच आप सभी को पता है कि बहुत सारे नेट अबाउट 25 या उससे भी ज्यादा है, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो उसमें आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है ऑथर्स में, तो इसमें ऑथर्स नियर अबाउट 17 के आसपास हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑथर के बारे में पूछेंगे और उनके वर्क्स को पूछेंगे। सबसे पहले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम, पीबी शेले, चार्ल्स डिकन्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टीएस इलियट, कमला दास, मुल्क राज आनंद और निसिम एजिकेल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट विटमन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर एंड विलियम शेक्सपियर, ये सारे राइटर्स हैं। ऐसा इनमें भी होता है कि सारे वर्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यदि आप उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आप काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो इनके लूसी पोएम्स से उनको आप पढ़ लेंगे, और इनकी एक दो पोएम्स और भी हैं उसी के साथ साथ, जैसे टेबल स्टन हो गया, या जैसे लंडन जो है 1802 करके पोएम है जिन्होंने एड्रेस किया है जॉन मिल्टन को, और ये सारे पोएम्स इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लाइन बाय लाइन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आप दोनों, जिनकी एक डैफोडिल पोएम हो गई, तो ये सारे जो है नहीं डिस्कस करेंगे जिससे आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएं। सेकंड है जॉन कीट्स, जॉन कीट्स की जो फेमस वर्क्स है उसमें से आपको क्या तैयार कर लेना होगा, इनकी जो जॉन कीट्स के 6 ओड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। चार्ल्स लैम की बात करें, चार्ल्स लैम का जो है इनका ऐसे जो है बहुत ही अपने ऐसे के लिए जाने जाते हैं, जैसे ड्रीम चिल्ड्रेन हो गया, इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन होता है ऐसे इलिया के नाम से जाना जाता है इनको, तो ये उस वजह से फेमस होते हैं। पीबी शैली की बात करें, इनका बहुत ही फेमस वर्क है
वेस्ट विंड जो होता है इनका बहुत ही फेमस वर्क है, उसकी वजह से बहुत ही फेमस है ये, और स्काई लॉर्क की वजह से। चार्ल्स डिकन की बात करें, चार्ल्स डिकन ये बहुत अच्छे नॉवलिस्ट हैं और ये जाने जाते हैं अपने कैरेक्टराइजेशन की वजह से, ठीक है। इनकी जो स्टार्टिंग के वर्क होते हैं बोस के नाम से पब्लिश हुए थे, नॉवल की फील्ड में बहुत ही जबरदस्त राइटर हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड की बात करें तो ये जो होते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड होते हैं, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे पोएम्स लिखी हैं, जिसमें कुछ इनके पोएम्स जो ड्रामेटिक मोनोलॉग टाइप के इन्होंने लिखा है। फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जैसे पोएम हो गया, यूलिसिस इनका पोएम होगा बहुत ही फेमस है, इनकी पोएम जो है लोटस ईटर हो गया बहुत ही फेमस पोएम है। थॉमस हार्डी की नॉवल की क्या कहना है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा ही नहीं जिनको थॉमस हार्डी की नॉवल पसंद नहीं आए। थॉमस हार्डी की नॉवल बहुत ही, जैसे कि आप फॉर फ्रॉम द मेडिंग क्राउड को देख लीजिए, इनकी बहुत ज़बरदस्त नॉवल है, या मेयर ऑफ द कास्टल ब्रिज देख लीजिए, तो इनकी बहुत ही ज़बरदस्त नॉवल इनकी है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टी एस एलियट की पोएम जैसे वेस्टलैंड बहुत ही फेमस है। कमला दास जो है इनकी इंट्रोडक्शन पोएम जैसे हो गई, तो है मुल्कराज आनंद भी, इनको जो है बोला जाता है चार्ल्स डिकन इंडिया का। निसिम एजिकेल जो है ये जू होते हैं और इनकी पोएम्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो होते हैं, इनकी जो पोएम्स आपने इंटर में पढ़ा होगा कुछ, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है कुछ हो, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इनकी जो पोएम से बहुत ही फेमस पोएम है। और ये जो पोएम है यूजीसी नेट में पूछा गया था कि इनकी कौन सी पोएम है जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, सो दिस इज द लाइन्स बाय दिस लाइन पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड, और जब उनकी डेथ हुई थी उनके कमरे में ये लाइन ही पाई गई थी। तो ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है रूरल टाइप के वर्क्स लिखते हैं। वाल्ट विटमैन हो गए और अर्नेस्ट हेमिंगवे भी नॉवेलिस्ट ही हैं, विलियम फॉकनर भी एक नॉवेलिस्ट ही हैं, और विलियम शेक्सपियर को तो आप जानते ही कि इन्होंने अपने सोनेट की वजह से जाने जाते हैं और अपने ट्रेजडीज की वजह से। तो ये हमारा आज का सिलेबस रहा, मुझे यकीन है कि आपको सिलेबस जरूर समझ आया होगा। अब बहुत डिटेल में तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम सिलेबस ही की बात कर रहे हैं, जब क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस की जाएगी। ग्रामर का पोर्शन भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लिटरेचर का पोर्शन भी बहुत ही अच्छे से डिस्कस की जाएगी। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।